हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है बुध पूर्णिमा, तो उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाश्ता बन गया है। और यहाँ ये देखिए, बेटी झाड़ू लगा रही है, बड़ी बेटी। और छोटी बेटी धो रही है सुबह चाय के बर्तन। और साफ सफाई चल रही है यहाँ पे। और यहाँ ये देखिए, मेरे हस्बैंड ने ना ये सब हटा दिया है यहाँ से, कालीन वगैरह ये सब ऐसे ही बिखरा हुआ। अब सफाई होगी, पोछा ओछा लगेगा। तो सब अपने अपने कामों में लगे हैं। और मेरा काम तो था नाश्ता बनाने का, और मैंने बना लिया। अभी देखिए सब ऐसे ही है। और यहाँ पे बिटिया मार रही है झाड़ू बड़ी वाली। और ये है बाहर का नज़ारा। अभी तो खूब ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ छोटी बेटी धो रही है चाय के बर्तन। और ये ना आज मतलब ये कालीन निकाल रखी है बाहर, जो बैठक में बिछती है, तो इसकी आज होगी धुलाई। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मैं खुद धोऊंगा अपने आप। मैंने कहा ठीक है, पानी आ रहा है ना अभी, तो हो जाएगी इसकी धुलाई अच्छी तरह से। और अभी आज मौसम सुहावना हो रहा है, मतलब अभी तो धूप भी नहीं कम है और कुछ नहीं है सुहाना। हवा चल रही है ठंडी। और दोस्तों, आज से ना हमारे यहाँ गढ़ कौथिक मेले का शुरुआत है। मतलब मेले की 5 दिन का लग रहा है मेला। ये नव चेतना एक संस्था है वार्ड नंबर 2 में, मतलब उसके द्वारा मेला लगाया जाता है। पिछले साल भी लगा था, आपने मेरे मिनी ब्लॉग में देखा होगा। पिछले साल 3 दिन का था, इस बार 5 दिन का है। और 25 तारीख से वहाँ पे कीर्तन मंडलियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा। अगर अगर आप लोकल के हैं तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेले का। और अगर मैं जाऊँगी वहाँ तो मैं भी आप लोग को दिखाती रहूँगी मेले का हाल। तो आप लोग भी आइएगा ज़रूर। और गर्म बहुत हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे जैसे काम होता रहेगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। और बाहर हो रही है कालीन की धुलाई। और मैं नाश्ते बनाया है भिंडी की सब्जी, और इसमें है शिमला मिर्च की सब्जी, क्योंकि मेरे ससुर जी भिंडी नहीं खाते हैं। बस यही है दोस्तों। और यहाँ पे ये मन्नत जी आ गई हैं। आज पजे पहन रखी इन्होंने। ये देखिए, ये क्या कर रही हो मन्नत? हेलो कर दो। ओहो, ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो रखी हैं ये। जय करो, जय करो। नहीं कर रही है जय, वो ड्रेसिंग के सामने ही है। हाँ, आहा, तेल लगा रही हो बालों में। वाह वाह वाह, ये मन्नत की, ये देखिए, ये अब किचन में जा रही है ये। अच्छा, बालों में तेल मल ले। अब पूरे घर में ढूंढती रहेगी। देखिए कैसे करे पड़ी है ये। नहीं, उधर नहीं। वो देखो, हेलो करो। हेलो, हेलो नहीं कर रही है वो। नहीं। ओ, मेरी बेटी ना उसकी चुटिया बना रही है। वो कैसे कर रही है? माओ कर दो, माओ। वो बना दी उसकी चुटिया। कितनी छोटी लग रही है। तो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में। और इसमें बनाई है मैंने अरहर मसूर की दाल। तो दिन के खाने में बनेगा दाल भात, और एक स्पेशल सब्जी जो मैंने कई सालों से नहीं खाई है, वो है ये तुरई। कल मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट, तो मैंने उनसे मंगवाई है तुरई। ये इसकी सब्जी बनाऊंगी मैं दाल भात के साथ, ऐसी सिंपल सी, मिर्च और जीरे का तड़का दे के, प्याज वगैरह डाल के वो बनाऊंगी। और हमारे इधर ना ज़्यादातर वाली तुरई ज़्यादा खाते हैं। ये वो धारी वाली आती है ना एक, बहुत टेस्टी होती है वो भी, और लगाते भी लोग घर में ज़्यादातर वही वाली तुरई है। मगर मुझे ये वाली तुरई ज़्यादा पसंद आती है। तो आज मैं खाऊंगी बहुत सालों बाद। मुझे तो याद भी नहीं कितने साल हो गए मुझे तुरई ना खाए हुए। तो ये है गाइस तुरई, ये आधा केजी है, ये आधा के जी। और यहाँ मैंने ये तुरई धो के अच्छी तरह से काट लिया इसको, ये गोल काटा मैंने इसको। और तड़के के लिए मैंने लिया है एक प्याज और 2-4 लहसुन कलियाँ। और ये है सूखी मिर्च, कसूरी मेथी, जीरा। और अब बनाऊंगी मैं तुरई की सिंपल सी सब्जी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, अब आप लोग कैसे बनाते हैं। और ये मैंने लिया थोड़ा सा प्याज और लहसुन, इससे लगेगा दाल में तड़का। यहाँ तुरई के लिए मैंने ना कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गरम हो रहा है। और यहाँ तेल गरम हो गया अच्छी तरह से, अब मैं इसमें डाल दूँगी
जीरा, मिर्च और कसूरी मेथी। अब हमने जो प्याज और वो डाला था ना लहसुन, इसको भी डाल देंगे और ये प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। और मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ी सी चुटकी भर हींग, इससे ना इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। अब डाल दूँगी मैं इसमें एक टमाटर। और अब यहाँ हटाते हैं हम ढक्कन और देखिए टमाटर भी गल गए हैं, टमाटर भी लगभग गल गए हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम तुरई कटी हुई, ऐसे ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं क्या हाल है हमारी सब्जी का। देखिए कितना पानी, ये देखिए मैंने पानी नहीं डाला था, ये देखिए कितना पानी है। तो इसको अभी हम पकने देते हैं। हो गई ये लगभग तैयार, बन के रेडी हो गई है ये, ये देखिए। तो बताइएगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके कैसी लगी आपको हमारी तुरई की सब्जी। और यहाँ भी चावल में सीटी आने वाली है और यहाँ बन रही है एक तरफ रोटियाँ। और ये ककड़े रखे, इसका कटेगा सलाद। और गाइस मैं हो गई रेडी मेले के लिए, 6 बज गए हैं शाम के। मैं और मेरी छोटी बेटी जा रहे हैं मेला और आज है मेले का पहला दिन, देखते हैं वहाँ जाके। तो आपको भी मिलते हैं अब हम मेले में। तो यहाँ मैं हम लोग जा रहे हैं मेले, लगे हुए हैं रास्ते। और ये देखिए लीची के पेड़, लीची भी पक गई है। ये पूरी ना ये सरकारी नर्सरी है ना, और यहाँ पे लीची ही पक गई है और आम भी टूट रहे हैं यहाँ पे मतलब। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे मेला है, ये लगा हुआ है मेला। अब जाके देखते हैं क्या क्या है अंदर। तो हम लोग आ गए हैं, तो नमस्ते और ठीक ठाक। हाँ जी आप ठीक हो? हम लोग आ रहे हैं मेले में। हाँ जी सब ठीक है। आप आना चाहेंगे? बस अब भी आ रहे हैं। अच्छा, ये है यहाँ की वो गढ़ चेतना और ये लकी को बन गया, वो भी लगा स्कूटी। हाँ भाई लकी लगातार। ये यहाँ पे दुकान है, उधर झूले हैं और ये है स्कूटी, इसका भी लकी को बन निकलेगा, उसे स्कूटी मिलेगी। और इधर ना ये देखो खाने का लगा हुआ, दादी की मम्मी तो नहीं दिख रही मुझे, बैठी तो है यहाँ पे देने का प्रयास। और यहाँ पे गेम्स चल रहे, मन कामेश्वर का दाजी रेफरी। पूजा तो चाहिए हमारी वाले कीर्तन मंडली, बहुत अच्छा। राधा रुक्मणी के जो रनर हैं बहुत अच्छा रन कर रहे हैं और पूरा समय ले रहे हैं। चलिए चलिए चलाते रहिए खो दीजिए। देखिए गाइस ये झूला लगा है, बड़ा चरखा, वो ड्रैगन, ये कप प्लेट वाला, डिस्को वाला, ट्रेन है, ये ट्रैम्पोलिन। पर मेरे साथ कोई बैठने वाला है नहीं तो मैं इनमें बैठ नहीं पाऊंगी क्योंकि मम्मी बैठती नहीं है। और ये मम्मी पता नहीं क्या देख रही है यहाँ पे, ये दुकान लगी हुई है। जो है क्या क्या देखे बड़ी हैं। राधा रुक्मणी के इधर देखिएगा, इधर ना गेम है बॉल्स वाला, ये वो क्या बोलते हैं इसे, बंदूक वाला। और ये वो है छल्ले, मम्मी कह रही छल्ले फेंकूंगी। ये ट्रेन है, चरखा, हाँ। ये देखिए गाइस ये हमारे मोहल्ले के डॉन, और मम्मी ने मोमो खिला रही है, यहाँ से खाते हैं हम लोग मोमो, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो गाइस हम खा रहे हैं सॉफ्टी, तो हम लोग जा रहे हैं घर। ये झूले पर कोई बैठने वाला नहीं, इसलिए बैठूंगी नहीं, मम्मी बैठती है नहीं, तो हम लोग सॉफ्टी खा रहे हैं। और मैं घर आ गई हूँ मेले से, इतना गर्म हो रहा है ना,
तो आ गए हम आज, दुकान वगैरह मतलब थोड़ी बहुत लग गई थी और आज गेम्स भी हो रहे थे, तो अब मैं आ गई हूँ घर। तो गाइस टेले से आने के बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया, और खाने बनाए मैंने लौकी को कोफ्ते, और रोटी बना ली है मैंने, और सुबह की ना जो तुरई की सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने, आज बहुत टेस्टी बनी थी, और एक कटोरी बच गई है, इसे मैं रात में भी खाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।